छोरा शहर की गोरी शीश हाथ शीश बने दो मिलियन महा लड़ाकी खोपड़िया ठन ठन तो जल्दी कम्मा है तेजी जंगली आफत की पुड़िया है थोड़ी थोड़ी पगली रब हुआ का जब हुआ मेमनी, मेमनी आगे खोलो। आनिया, तुम्हारे भी पैर में बड़ी चोट आई है। हम पट्टी लगा दें? नहीं, आप हमारी चिंता मत कीजिए। मैंने संभाल लिया। देवरी नदी के तीर का एक-एक घर, एक-एक खेत ठकुराइन के नाम है। आना जी के स्वास्थ्य की बहुत चिंता हो रही है ना आपको? हाँ, नहीं, वो हम काय चिंतित होंगे? हमें तो बस यही फिकर थी कि अंदर सब कुछ ठीक है कि नहीं। बस एक बार पता चल जाए तो हम भी यहाँ से निकल लें। क्या है कि बीच में ऐसे छोड़ के जाना ठीक नहीं लगता ना। रघु भैया, आप घबराइए नहीं। अंतोद्गतवा बजरंग बली की कृपा से सब अच्छा ही होगा। अरे पानी गिरा मत, जल्दी। अरे पानी लिया। अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो। क्या हो क्या रहा है? नौटंकी लगी है क्या? सारा का सारा गांव जमा हो गया। बहुत साल पहले गांव में सूखा पड़ा था, भयंकर सूखा। तब ठकुराइन जी के दादाजी ने गांव वालों की बहुत मदद की हर तरह से, और बदले में खुशी खुशी अपने हाथ से गांव वालों ने अपनी जमीनें और घर ठाकुरों के यहां गिरवी रख दिए। हाँ, पर जमीन तो अब भी गांव वालों के पास है। गांव वालों के पास है और उनके नाम नहीं है बेटा। ये तो ठाकुरों का बड़प्पन है कि आज तक उन्होंने जमीन पर कब्जा नहीं मांगा। देवरी नदी के तीर का पट्टा ठकुराइन के नाम है। इतनी बड़ी बात बाबूजी और किसी को पता ही नहीं। कौन कहता कि पता नहीं? गांव के बड़े बूढ़े सब जानते हैं। अब इतने साल के बाद ठकुराइन यहां आई हैं, तो उनके साथ मिल बैठ के कुछ ना कुछ फैसला कर लेंगे। नहीं, लाखन बेटा घबराओ नहीं। हम बूढ़े लोग अपना बोझ तुम जवानों के कंधे पर छोड़ के नहीं जाने वाले। बोझ नहीं बाबूजी, आपने तो रास्ता दिखा दिया हमारी मंजिल का। अरे शांत हो जाओ सब। कहाँ हुआ रघु भैया? कहाँ हुआ हवेली माँ? सुना है बड़ी भयंकर आग लगी है। रघु भैया, भीतर सब ठीक तो है ना? रघु बेटा, बेटा वो आनिया को होश आ गया। होश आ गया? हाँ। देखिए देखिए भाई, चलो बच गया भगवान के लिए। अरे कहाँ अंदर चले आ रहे? हम आपके हाल बताते, यही ठहरी यही ठहरी। आनिया, आनिया तुम ठीक तो हो? हाँ जीरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ? ओह माय पुअर बेबी, कितना डरा दिया था तुमने हम सबको, और खुद भी तुम कितना डर गई थी। लेकिन माय बेबी, तुम अब बिल्कुल सेफ हो। ओके, इस रघु की वजह से ये आग लगी। इसी ने वो माचिस की तीली फेंकी होगी किचन में। We'll be right back.
सब इसके ही वजह से हुआ है। इसने ही मेरी सब्जी खराब की थी और वो आग भी इसने ही लगाई थी। तुम पागल हो गई हो क्या आन्या? रघु ने तुमको आग से बचाया है। नो जीरी, इसी ने आग लगाई है, मैंने देखा इसे। चुप जानिया, एक तो तुम गलती करती हो और उसके बाद तुम। जीरी, अब हर वक्त मुझे क्यों डांटती रहती है और इसमें मेरी क्या गलती है? आपने मुझे कहा था इस स्टूपिड गांव में एडजस्ट करो, तो वही तो करने की कोशिश कर रही हूँ और फिर रघु आ जाता है आग लगाने। अब इसे क्यों नहीं कहती ये यहाँ क्या कर रहा है? रघु, हम तो काम से निकले थे, चलते चलते हवेली आ गए। अच्छा ही हुआ यहाँ पहुंच गए। मुड़ के हमने देखा कि रसोई से धुआं आ रहा था और मेमनी की चीखने की आवाज आई। हमें लगा कि मुसीबत में होगी, तो हम यहाँ पहुंच गए। तुम्हें मेरी फिक्र है, इसीलिए तुम यहाँ आए थे? फिक्र तो होनी थी हमें, हर वक्त मुसीबत मुझे पड़ जाती है। देख लिया, अगर रघु वक्त से नहीं आया होता तो तुम्हारा भी हाल वो आलू की सब्जी जैसे हो गया होता। रघु ने तुमको आग से नहीं निकाला होता तो आनिया तुम बच ही नहीं पाती। रघु को थैंक यू कहने की जगह तुमने तो। I'm sorry जीरी। तुम सॉरी मुझे नहीं, रघु को कहो। रघु, मुझे माफ कर दो प्लीज। नहीं, हम तो केवल अपना फर्ज निभा रहे थे। नहीं, मुझे फर्ज वर्ज नहीं पता है। प्लीज कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया, प्लीज। नहीं नहीं, हम कह रहे हैं ना, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो बस। तो इसका मतलब तुम मुझे माफ नहीं करोगे? नहीं नहीं, रो मत, हमने माफ कर दिया। हम कह रहे हैं ना, माफ कर दिया हमने, रो मत। जीरी, देखा, रघु ने मुझे माफ कर दिया। मगर एक बात कान खोल के सुन लो आनिया, अब तुम चूल्हे के पास नहीं जाओगी और माचिस नहीं जलाओगी। हमारे पास रहने के लिए सिर्फ एक जगह है, हम उसे गंवा नहीं सकते। रहने दीजिए ना ठकराएं, पहली बार तो गलती किसी से भी होती है, अगली बार से ये। रघु, एक पैर जलाकर तुम्हें चैन नहीं पड़ा? हमें कुछ काम है, हम चलते हैं। मेरे लाल, क्या बहादुरी का काम किया है, वाह! इसी बात पे अर्ज किया है कि आग की लपटों में जलती रही हवेली, रघु की जान पे आई क्योंकि खतरे में थी उसकी सहेली। छोड़िए ना, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे भैया मिर्जा, तुम अपनी दोस्ती की नाक कटाए दियो। कहे का भाई, हमने साथ रह के फिल्मी कहानी बनाना नहीं सीखे, पर बात है एक ऐलान में पूरी हीरो हीरोइन की कहानी कह दियो। अरे भैया जरा संगीत के तार छेड़ाओ, समा बांधाओ, फिर बनेगी ना हीरो हीरोइन की कहानी, तो शुरू करें। हो जाए भैया। रामू के काका, झुनरू के मामा, सुन लो हमार कहानी। देवरी नदी में आई रे भैया, आई है सुबह सुहानी। महलों की भाई वो राजकुमारी, दिलों का भया वो राजा, संकट की एक दिन घड़ी जो आई, रंग बन बैठा राजा। राजकुमारी व्यस्त बिचारी, भूल गई थी सुध बुध सारी, भूल गई थी सुध बुध सारी। आग से निकली एक चिंगारी, राजमहल में हाहाकारी।
राजकुमारी सिसकन लागी, लपटों से वो दुबकन लागी। तभी उधर से आया तूफान, आग भी थर थर थर। सब हैरान, ओ राजकुमारी को उठाए के ले गया मौत के मुंह से बचाई के भैया की। भाई वाह, एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है, ये आखिर दिलों का राजकुमार वो राजमहल में करने गया काहे था? आनिया स्वीटी आ जाओ, खाना लग गया है। फायर ब्रिगेड को बुला लो क्योंकि आनिया वापस किचन में। आनिया किचन में? ओह नो, आनिया आनिया आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपना खाना अब यहाँ नहीं बनाऊंगी। ओह माय गॉड, मतलब अब तुम किसी और का घर जलाओगी? ऐसा कुछ नहीं होगा, और मैं अपना खाना बना के रहूंगी। देख लेना, आन्या श्रॉफ कभी हार नहीं मानती। यार राइट आन्या, बहुत हो गया ये बचपन। नो जीरी, बहुत हो गया ये डिसिप्लिन। मुंबई में तो आप हमें कभी नहीं रोकती थी कुछ करने से, जब से हम यहाँ आए ये नहीं करो वो नहीं करो, ऐसे नहीं चलो वैसे नहीं बोलो। आपको हो क्या गया जीरी, बिल्कुल गांव वालों की तरह बनती जा रही है। ओ स्वीटी, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया है, एक एप्पल तो लेती जाओ। नो मॉम, जब तक मैं खुद अपने हाथों से कुछ नहीं बनाती तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तुम्हें बहुत हंसी आ रही है ना? जस्ट यू वेट, अपने बचे हुए खाने से तुम्हारा मुंह बंद करूंगी, फिर देखते हैं कौन किस पे हंसता है। बेचारे देवरी नदी के तीर के लोग, उन्हें पता नहीं उनके गांव की तरफ कैसा तूफान आने वाला है। एक बात बता रहा हूं, पैर जले है तो दर्द हो गया ना, तो हमारे काहे नहीं हो रहा? मेरी जो आग लगाई है हमारी तो सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो गई। पता नहीं क्या कर दिया मेमनी ने, और ये बार बार मेमनी मेमनी का रट्टा क्या लगा रहे हैं हम? करना पड़ेगा, एक काम करते हैं, बैलगाड़ी के पहिए को ठीक कर देते हैं, इसके बाद कुएं की बाल्टी में रस्सी लगा देंगे, और हाँ लालटेन जो है ये लालटेन भी ठीक करवा देते हैं, गिर गया तो बेचारी मेमनी की तरह राम प्यारी भी फिर से मेमनी। अरे पगलैट हो गए क्या हम? हट, क्या करें, दिमाग काम नहीं कर रहा। ए राम प्यारी, कुछ तो इलाज होगा हमारा? इलाज है ना, हल्दी का लेप लाए हैं, देव की मौसी ने भेजा है, लगाते ही चैन मिलेगा। हाँ वहाँ रख दे। हम लगा दे? नहीं ना, वहाँ रख दे, लगा लेंगे हम। सुनो, अपनी जान जोखिम में डालने की क्या जरूरत थी, वो भी उस शहरी मेम के लिए, कहीं कुछ हो जाता तो? आगे ऐसा मत करना, तुम्हें हमारी कसम। हाँ अरे गहना एक बात बता, अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो क्या करना चाहिए? अगर कोई बहुत परेशान करे ना तो उससे दूर रहना चाहिए। सुन लिया राम प्यारी, शायद सही कह रही है गहना। राम राम। राम राम। मिसेस सरपंच, मिसेस सरपंच। आनिया बिटिया। हाय मिसेस सरपंच। मिसेस सरपंच है क्या? क्या बिटिया,
किसको ढूंढ रही हो? यशोदा जी घर पे हैं? घर पे हैं बिटिया, तनिक बैठो, हम बुलाते। नहीं नहीं बैठने का टाइम नहीं है, मुझे बहुत भूख लगी है। आप हाय मिसेस सरपंच, आपका किचन खाली है क्या? मुझे मुझे थोड़ी देर के लिए चाहिए प्लीज। ओह अच्छा अच्छा, रसोई रसोई का क्या करोगी बिटिया? खाना बनाना है, कैरेट रावियोली, गाजर की सब्जी, टेस्टी हेल्दी ऑर्गेनिक खाना। अरे आप परेशान मत होइए, मैं अपना सब सामान लेकर आई हूँ, बस थोड़ी देर के लिए अपना चूल्हा दे दीजिए। का है आनिया बिटिया की मतलब चूल्हा रसोई तो तुहार अपनी ही है, पर वो कहा है कि आज आज अमावस्या। हम बोल रहे हैं तो बीच में काहे बोलो, तो जानते हैं हम, वो कहा है बिटिया आज आज अमावस्या है, आज के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाते। क्यों? तो आप लोग क्या खाते हैं, सैलेड? वो कहा है कि हम, अब जरूरत है तो बीच में बोलो ना। व्रत रखते हैं? हाँ बिटिया हम व्रत रखते हैं 48 घंटे। 48? कहा है कि सन 1994 में ऐसी अमावस्या आई, ऐसी अमावस्या आई कि मैं जाती हूँ। लाखन की अम्मा जलते जलते बचे। आंटी जी मैं आपके घर में खाना बना सकती हूँ? बेटी मेरा चूल्हा खराब है। अरे नहीं नहीं हमारी रसोई में मधुमक्खी घुस आई है। मधुमक्खी? अरे आंटी जी मैं, अरे अरे ओ आंटी जी भाई भाई। अरे रसोई होती जो किस्मत में तो किस्मत हैरान हो जाती। दाल ही का है सहारा मिर्जा और साथ में दो रूखी सूखी चपाती। वाह क्या बात है। जयराम जी की ठकुराइन। जयराम जी की लाखन, बोलो कैसे आना हुआ? बस यूं समझ लीजिए हमारे गांव के प्यार ने हमें यहाँ तक खींच लाया ठकुराइन। सोते जागते बस उसी का ख्याल हमारे दिमाग में घूमते रहता है, तो हमने तय किया कि बस आज ठकुराइन से बात करके रहेंगे। मुझसे? सुनिए सुनिए। सब चाहते हैं कि मैं भूखी रहूं, भूख से बेहोश हो जाऊं, बेहोश होके मर जाऊं। पूरा गांव मेरे अगेंस्ट है, मेरी फैमिली भी। जब तक मैं खुद अपने हाथों से कुछ नहीं बनाती तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मैं नहीं मरूंगी, भूखी भी नहीं रहूंगी। आनिया श्रॉफ कभी हार नहीं मान सकती। तो साक्षा तक देव बनी बैठी है। आनिया जी ईसा जी ने बताया कि आप हमारे गांव को अग्निदेव को समर्पित करने पर तुली हैं। देखिए ऐसा मत कीजिए, ये जो गांव है ये हमारी जिंदगी है, हमारा सब कुछ है, हमारा माई बाप है। ओ प्लीज भोला, तुम्हें लगता है मैं इतनी स्टूपिड हूँ कि तुम्हारे स्टूपिड गांव को जलाऊंगी? मुझे बस खाना बनाना है, बस इतनी सी बात। अरे तो आने जी बनाइए भोजन, और अगर आप कहें तो सावधानी स्वरूप रघु भैया और मैं पानी की डोलची लेकर आपकी रसोई की खिड़की पर खड़े हो जाते हैं, परंतु आप हमारे गांव को मत चलाइए। ओ प्लीज भोला, मैं हवेली में खाना नहीं बना सकती, और जब तक मैं खाना नहीं बनाऊंगी तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी। और इस गांव में सबको मेरे भूख से ज्यादा अपने घर की फिक्र है, सब सेल्फिश है, कोई मेरे बारे में सोचता ही नहीं है। देखिए अश्रु मत बहाइए, आप ईसा जी की बहन है तो इस नाते नहीं, नहीं हमारे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप घबरा कह रही हैं, हम है ना कुछ करते हैं। सोचे क्या कर, मिल गया आने जी, मिल गया। क्या मिल गया? हमें वो आदमी मिल गया जो आपको अपनी रसोई में भोजन बनाने से नहीं रोकेगा। कौन? सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए,
आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। अरे सुन रघु सुन, इस चंपी सुनो ना। अरे कोई ऐसी चंपी ना है जिससे सारे बुरे ख्याल चले जाए। कैसे बुरे ख्याल रघु मियां? भूत प्रेत चंद चुड़ैल नौकरी या फिर छोकरी? ये नहीं जानते हम, ये इतना जानते हैं कि बुरे ख्याल हैं। अरे रात को नींद नहीं आती हमें। ओहो रात को नींद नहीं आती? अरे घबराओ मत, बकरी के लीद का तेल है, थोड़ा ज्यादा मल देता हूँ, सब बुरे ख्याल छू मंतर हो जाएंगे। हाँ चंपी। हे मिर्जा ठीक से करो ना, तो दिन में भी वही बुरे ख्याल आ रहे हैं हमें। मजा आ रहा है ना रघु मियां? आज के बाद तुम्हें सिर्फ नेक ख्याल आएंगे, समझे? रघु ये मिर्जा टीका कर दिया तो खुली आंख में भी वही बुरा ख्याल नजर आ रहा है हमें। अरे कैसन बुरे ख्याल रघु मियां? ये मेमनी का ये वो नजर आ रही है हमें। आपको पता है रघु कहाँ? अरे हमें भी तो नजर आ रही है, कहीं नहीं आएगी रघु। वो ऐसे ऐसे करके यहीं आ रही है, खैर करो मियां। अरे भगवान ये आ गया भूचाल। अरे रघु रघु, अरे रघु कहाँ भाग रहे हो साबुन लगा के? अरे हमारी दुकान बंद करवाओगे क्या? अरे रघु क्या हो गया बेटा, क्यों घबराया हुआ है? वो तनकपुर की चुड़ैल हमारे पीछे लग गई है। चुड़ैल? कौन सी चुड़ैल? अरे वही वो उल्टे पांव वाली तिलक लगा के, जो लंबे लंबे नाखून है उसके, एक बार चिपट गई तो पीछे नहीं छोड़ेगी हमारा। कैसे बहके बहके बातें कर रहा है बेटा, मैं कहती हूँ बैठ, मेरी बात सुन, बैठ। कहीं बुखार तो नहीं चढ़ रहा है तुझे? अम्मा बुखार तो ना है, लेकिन हाँ अगर ठकराइन की पोती पूछे ना हमारे लिए तो कह देना कि रघु से चुड़ैल चिपट गई और इस जन्म में वापस ही नहीं आएगा वो। अगर मैं उस चुड़ैल को अपने हाथ का खाना खिला दूं तो भी नहीं छोड़ेगी क्या वो तुम्हें? हाँ तुम? हाँ मैं। क्या कर रही हो? तुम्हारे लिए खाना बनाने आई हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है, मैं इतना भी नहीं कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? जब लव हुआ।